वेलकम बैक टू अवर चैनल जूनियर साइंटिस्ट। तो फ्रेंड्स, हमने काफी दिनों के बाद फिर से हमारा चैनल शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, इन दिस एपिसोड वी विल लर्न अबाउट आइसोलेशन ऑफ टीम। तो फ्रेंड्स, हमारे बुक में भी 12th साइंस है, प्रैक्टिकल है, हमारे बुक में काफी डिफिकल्ट करके दिया है, इतने डिफिकल्ट है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, वी विल लर्न टू इजी एंड सिंपल ट्रिक्स इन दिस वीडियो टू आइसोलेट डीएनए। सारे जो हमने नाम देखते हैं, हमारे पास क्या क्या है, अगली चीज जो है वो स्पिरिट, ARI स्पिरिट यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल हमें लगेगा। और बाद में ये स्पैचुला लिया है मैंने, ये है हमारा ड्रॉपर एयर और पिपेट, और दिस इज अ बनाना, और वी विल रिक्वायर अ प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक की थैली हमें लगेगी, वो जिपलॉक बैग जो होती है प्लास्टिक की थैली वो हमें लगेगी, और ये है टेबल सॉल्ट, और हमें ये लगेगा ये नीम जेल कांड है, और ये कॉफी फिल्टर और जनरल टी फिल्टर जो हम स्ट्रेनर यूज करते हैं वो हमें लगेगा, और घर में भी हम ये सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द एक्सपेरिमेंट। और एनी डिश वॉशिंग सोप, नॉट अ पर्टिकुलर विम जेल। एंड देन ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ वॉटर टू डाइल्यूट द सॉल्यूशन। ओके, एंड देन जेंटली मिक्स द सॉल्यूशन। Our next part is to smash the banana or to smash the banana. Then friends, हमें क्या एक ziplock bag लेनी है, एक ziplock bag. Then peel the banana. Peel the banana. Take only half part of the banana. Take only half part of the banana into the bag. And then add about 40 to 55 ml of water inside it. Okay. And close the ziplock bag. हमने ziplock bag बंद कर दी। और हमें क्या करना है, ये बनाना जो है वो हमें gently ऐसे हाथों से mash करना है। अगर आपके पास ग्राइंडर है वो आप ग्राइंडर से भी मिक्स कर सकते हैं, ग्राइंडर से भी अच्छा मिक्स हो जाता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, देखो हमारा सॉल्यूशन मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। देन ओपन द बैग एंड ऐड अवर सॉल्यूशन व्हिच वी मेड ऑफ द एंजाइम्स। ये देखो हमारा जो सॉल्यूशन है हमने बनाया पूरा, हमें इसके अंदर ऐड करना है। ओके, हमने ऐड कर दिया और फिर से हमें क्लोज करना है बैग, और हमें फिर से ऐसे करना है, फिर से उसे जेंटली स्मैश करना है। और हमें ये कब तक करना है स्मैश, 15 to 10 minutes, और जेंटली यू कैन कीप असाइड दिस बैग फॉर 15 to 10 minutes। इन दिस प्रोसेस द एंजाइम्स विल ब्रेक डाउन दिस सेल वॉल एंड डीएनए विल बी इजीली डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। Okay. In the 15 to 10 minutes, you can keep in this bag in a freezer also, because in the freezer, degradation process will be slow. 10 to 15 minutes, take a solution. And हमें क्या करना है, अब simply हमें ये सारा solution strain करके लेना है और छान के लेना है। तो friends, मैंने ये लिया है एक funnel, इसके अंदर मैंने filter को रखा है, और ये हमारे conical glass 100 ml का, और ये हमें एक बीकर लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमें इसे स्मॉल क्वांटिटी लेनी है, एकदम स्मॉल क्वांटिटी। ओके, फाइनल एंड लास्ट स्टेप इज टू आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द सॉल्यूशन। हियर इज अवर सॉल्यूशन व्हिच इज हियर,
ये हमारा सॉल्यूशन है जो हमने छान के निकाला है। अब हमें लगे कि 25 ml की टेस्ट ट्यूब, हमें 55 ml की टेस्ट ट्यूब नहीं लेनी है क्योंकि हमारे पास सिर्फ अप्रोक्सीमेट 10-15 ml सॉल्यूशन है हमारे पास। अब पहले हमें क्या करना है, हम बड़ी गलती करते हैं, पहले हम ये सॉल्यूशन देते और बाद में हम इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देते, पर हमें पहले अल्कोहल लेना है। अब हमें ये 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब अल्कोहल लेना है। अगर आपके पास ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल नहीं है तो सिंपली से आप अच्छे कंपनी का, जैसे मैंने लिया है डेटॉल का, हैंड सैनिटाइजर भी ले सकते हैं आप, डेटॉल, लाइफबॉय और काफी तरह के कंपनी में अच्छी तरह का इथाइल अल्कोहल होता है, मैं लेता हूँ। और हमें इसका जेल पार्ट ध्यान में रखना है, इथाइल अल्कोहल कम से कम इसके अंदर 98% को होना ही चाहिए। अब हमें अगली प्रोसेस क्या करनी है, ड्रॉपर से जो हमारा ये सॉल्यूशन है ये लेना है और इसके अंदर हमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप साइड से, ऐसे साइड से हमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड करते जाना है। ओके, हमने सारा सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब को स्टेबल, आप इसको फ्रीजर के अंदर भी रख सकते हैं, कम से कम आपको इसको रेस्ट देना है 10-15 मिनट्स, जैसे हमने पहले उस मदर लिक्विड को दिया था। ओके फ्रेंड्स, वी सक्सेसफुली आइसोलेटेड द डीएनए। फ्रेंड्स, आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस इज अ सिंपल पॉइंटिंग नीडल फ्रॉम द डिटेक्शन बॉक्स। सो फ्रेंड्स, दिस टेस्ट ट्यूब यू कैन सी द क्लियर पिक्चर, दिस इज अ प्रेसिपिटेट and this is the DNA which is from this side to this side, we have a large DNA. So friends, I will try to remove the DNA. Friends, I think you can see on this needle. Friends, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें।